राम मंदिर को लेकर कलराज मिश्र का बड़ा बयान, कहा आम सहमति नहीं बनी तो बनाएंगे कानून। राम मंदिर को बताया बीजेपी का स्थायी मुद्दा। आज से लखनऊ के दो दिवसीय दौरे पर नितिन गडकरी, महिलावाद और लखनऊ बीजेपी कार्यकर्ताओं को देंगे योजनाओं की जानकारी। काशी विश्वनाथ मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर जबरदस्त फायरिंग हुई है, युवक को लगी गोली, किसी और को मारने आए थे बदमाश। आगरा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जीत के बाद बेकाबू हुए सपा समर्थक, खर्च फायरिंग में 3 लोगों को लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। शामली में सपा कार्यकर्ताओं ने मचाया तांडव, जीत के जश्न में जमकर की फायरिंग, गोली लगने से बच्चे की मौत, परिवार में मचा कोहराम। मथुरा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हंगामा, बूथ कैप्चर को लेकर लोगों ने किया हंगामा, पुलिस लाठीचार्ज कर जीत को टिकट बिक्र किया। मऊ में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जीते सभी निर्वाचित प्रत्याशियों को जिलाधिकारी ने प्रमाण पत्र सौंपा और सभी प्रत्याशियों को उनकी जिम्मेदारी के बारे में बताया गया। बनाई में ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव में खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई हैं और सपा समर्थित उम्मीदवार की जीत के बाद फायरिंग कर असलाहा प्रदर्शन किया। गोंडल में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में एसपी ने अवैध रूप से लाल बत्ती लगी फॉर्चुनर गाड़ी पकड़ी और गाड़ी में से 1,83,000 रूपये जब्त। मुरादाबाद जनपद में 8 ब्लॉक में 6 ब्लॉक पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की, जिसके बाद सपा और भाजपा के समर्थक आमने सामने आ गए, जिन्हें पुलिस ने खासी मशक्कत के बाद शांत करवाया। बरेली में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव पर सपा और बीजेपी समर्थकों के बीच जमकर बवाल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ा, मामला शांत कराया। छोटे और मध्यम उद्यमियों को जोड़ने के लिए अखिलेश सरकार चलाएगी विशेष अभियान, फेसबुक के सहयोग से 11 फरवरी को बूस्ट बिजनेस इनिशिएटिव अभियान की होगी शुरुआत। खासकर के गांव बस्तर में 2 मकानों में भीषण आग लग गई है, जिसमें मकान मालिक की खाद्य सामग्री सहित कपड़े जलकर खाक। लखनऊ में व्यापारी के अपहरण और लूट मामले में पुलिस ने पीड़ित की दुकान के चालक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरदोई में 2 भाइयों के विवाद में मां के बीच बचाव करने पर नशे में धुत एक भाई ने मां की डंडे से पीट पीट कर हत्या की। रामपुर में 11वीं के छात्र का किसी बात को लेकर लड़की से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद किसी अज्ञात शख्स ने छात्र को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। इटावा के जसवंत नगर में सामूहिक विवाह समारोह के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने शिरकत की और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। आगरा में आजम खान के विवादित बयान पर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने आजम खान का पुतला फूंक कर विरोध जताया और सीएम से खान को मंत्री पद से हटाने की मांग की। महोबा के रहरिया गांव में पानी और सूखे की समस्या को लेकर गांव की छात्राओं ने तालाब की खुदाई कर रही है, उनका कहना है कि ऐसा करने से बारिश के पानी को संरक्षित किया जा सकता है। वाराणसी के गांव नरोत्तमपुर की महिलाएं जप मालाओं को एक नया रूप देकर देश विदेश के कोने कोने में पहुंचा रही, जिससे फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग खासे प्रभावित हो गए हैं। झांसी में गांव भुजौंद में सड़क किनारे पश्चिम बंगाल के कर्मचारी चयन आयोग के उत्तर पत्र पकड़े गए हैं, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर बंगाल पुलिस को सूचित कर दिया है। झांसी में मोच महोत्सव के तहत लगने वाले मेले का विधायक दीप नारायण सिंह ने उद्घाटन किया, तो वही समारोह में मुंबई से आए कलाकारों ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सोमवती अमावस्या पर इलाहाबाद के संगम तक उमड़ा श्रद्धालुओं का जल सैलाब, भारी संख्या में संगम तट पर डुबकी लगा रहे हैं भक्त। मुजफ्फरनगर में 11 साल के बच्चे की हत्या के मामले में लोगों ने दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर भीड़ ने हाईवे जाम कर दिया, तो वहीं केंद्र मंत्री ने 1,00,000 की घोषणा कर मामला रफा दफा किया। इटावा में 2 दिन पहले हुई गोलीकांड में जख्मी महिला की उपचार के दौरान मौत हो चुकी है, इसके बाद कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने परिजनों से मुलाकात की, उनको सांत्वना दी। लखनऊ पुलिस ने व्यापारी के अपहरण और लूट मामले पर पीड़ित व्यापारी के दुकान चालक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अभी 2 आरोपी फरार है। लखनऊ की निगोहा पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया, कुछ समय पहले मात्र गाली गलौज की वजह से 2 लोगों ने एक सब्जी विक्रेता फूलचंद की हत्या कर दी थी। सोनभद्र में एक अनियंत्रित ऑटो की चपेट में आने से एक मासूम की मौत। संभल में एक मां ने 1.5 साल के तक पुत्र की गला घोट कर हत्या कर दी, तो वहीं पिता ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। मेरठ के नौचंदी थाना इलाके में सेक्टर 9 में पूर्व प्रधान की बाइक सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सलमान सईद के प्रचार में कांग्रेस नेता के एल पुनिया और पूर्व लोकसभा स्पीकर नीरा कुमार मुजफ्फरनगर पहुंचे। फैजाबाद में ओवैसी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया, समाजवादी पार्टी से पूछा कि आप राम मनोहर लोहिया का बहुत बड़ा लीडर आप मानते हैं, लेकिन राम मनोहर लोहिया नेहरू और गांधी से बड़े कहे जाए, क्योंकि अम्बेडकर इन सबके माई बाप थे।
लखनऊ के जिलाधिकारी राजशेखर, एसएसपी राजेश कुमार पांडे ने विंटेज कार रैली को रविवार सुबह हसरतगंज से हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। लखनऊ में लड़कियों की अश्लील वीडियो क्लिप बनाने वाले 1 लाख के इनामी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इसके साथ सहारनपुर से अन्य 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वाराणसी में रफ्तार रोमांच के साथ महिलाओं ने दिया बेटी बचाओ का संदेश। भारत विकास परिषद की तरफ से आयोजित था ये ट्रेजर हंट। कानपुर के अंकित राजपूत का आईपीएल में सिलेक्शन हो गया। अंकित राजपूत को 1.5 करोड़ में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। कन्नौज में दरिंदे ने चल रुकी खाते देसा के मासूम की निर्मम हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया। इलाहाबाद में लगे माघ मेले में उस वक्त हड़कंप मचा जब मेला क्षेत्र में स्थित परेड मैदान के पास एक विशाल और काफी पुराना पेड़ गिर गया। गाजीपुर पंचायती राज मंत्री कैलाश यादव की अपनी आवाज पर अचानक सीने में दर्द से उनकी तबियत नासाज हुई, वो बेहोश हो गए। नई दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में अपने परिवार के साथ यात्रा कर रही एक नाबालिग बच्ची के साथ एक फौजी ने छेड़खानी कर दी है। मुरादाबाद में विधायक हाजी रिजवान के दबाव में 3 बजे के बाद से कराया गया मतदान। विधायक के बेटे ने बीजेपी सदस्य से दोबारा वोट डलवाने का किया प्रयास। फर्जी वोटिंग की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थी। वाराणसी कैंट थाने में 3 छात्र बदमाश गिरफ्तार किए गए। बदमाशों से रिवॉल्वर सफारी सहित कई असलहा भी सेना की वर्दी भी बरामद की है। गाजियाबाद के कौशल इलाके कविनगर में बीएमडब्ल्यू कार ने 3 गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसमें एक व्यक्ति जख्मी हो गया। हादसे का कारण कार चालक का नशे में धुत होना बताया जा रहा है। मुरादाबाद में ठाकुर द्वारा ब्लॉक के पोलिंग बूथ पर सपा विधायक नवाज जान और उनके समर्थकों का हंगामा। सोनभद्र में एक संदिग्ध एनजीओ के 20 कार्यकर्ताओं को हिंदू जागरण मंच के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। प्रदेश सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर शिव प्रसाद यादव के बेटे राकेश यादव ने हिंदी अखबार के पत्रकार पर जानलेवा हमला बोला, उसको लहूलुहान किया, उसकी हालत काफी नाजुक। लखनऊ महोत्सव में गजल गायक गुलाम अली ने समा बांध दिया और तमाम लोग जो है उनकी धुन पर छिड़कते नजर आए। लखनऊ महोत्सव की 11वीं शाम रूहानी गजलों के नाम रही, इसलिए तमाम गायकों ने अपनी प्रस्तुतिकरण किया। सहारनपुर के थाना देवबंद इलाके के गांव खेड़ा मुगल में एक घर में जल रही तेल कुपी से रजाई में आग लग गई, जिसमें परिवार के 7 बच्चे झुलसे। जौनपुर में राज्य मंत्री शैलेंद्र यादव लले की गुंडे सामने आए, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। सुई थाकला ब्लॉक पर डाला डेरा। मुरादाबाद में छात्राओं ने की मंचली की जमकर पिटाई। सिविल लाइन्स में 2 छात्राओं ने छेड़खानी करने पर पहले तो मंचली को पीटा, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। झांसी में परिवार ने जिन लोगों को अपने घर की रखवाली दी, उन्हीं लोगों ने घर में चोरी कर ली। जौनपुर के बक्सा थाना अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव के प्रधान सहित 2 लोगों को दबंगों ने चाकू मारकर जख्मी किया। इलाहाबाद में अफसरों की समीक्षा बैठक में सोते नजर आए जीआरपी और आरपीएफ के जवान। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी 1 लाख ऐसे बच्चे यहां पर मौजूद है जो कुपोषित है और 19,000 बच्चे ऐसे हैं जो अति कुपोषित है। जब मामला संज्ञान में आया तो यहां पर इनको सुविधा देने की बात का जिक्र किया गया। अलीगढ़ के गांधी पार्क क्षेत्र के नौरंगाबाद के गांव भदेसी में नानक चंद्र के नीम के पेड़ से करिश्माई पानी निकल रहा है, इसे दूर दूर से आए लोग ले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि इसे बीमारी में फायदा पहुंच रहा है। पीलीभीत का पप्पू का अनोखा हुनर सामने आया। नाक से बांसुरी बजाकर निकालता है गीतों की अलग अलग धुनें। अपनी कला से पाए कई सारे इनाम, देश विदेश में अपना जलवा दिखा चुका है। महराइश में संदिग्ध हालत में 2 सगी बहनों के शव आम के बाग से मिलने से हड़कंप मचा। कोतवाली रानपारा में घटना जो है उसको लेकर मामला दर्ज किया गया, जांच शुरू हो चुकी है। पारिवारिक कलह विवाद की बताई जा रही है वजह। अलीगढ़ में छोटे बच्चों ने रैली निकालकर कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाई। रैली में विभिन्न निजी संस्थाओं के स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। गाजियाबाद के मोदी नगर थाना इलाके में ज्वेलरी के एक शोरूम में चोरों ने हाथ साफ किया। हरदोई में शादी समारोह के पटाखों की चिंगारी से कबाब के गोदाम में आग लगी। कुछ ही देर में आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आ गई, आसपास के इलाकों में फैल गई आग। आगरा में डॉक्टर एमपीएस वर्ल्ड स्कूल में आयोजित आरएस ग्रुप जलवा फैशन शो में शिव सैनिकों ने अपनी दबंगई दिखाई। फैशन शो में लड़कियों के भद्दे और भड़काऊ कपड़ों को देखकर रैंप पर ही रुकवा दिया फैशन शो। बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ आगरा में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर फतेहपुर सीकरी पहुंची। संत कबीरनगर जिले में कई थाना क्षेत्रों में इन दिनों गांजे का अवैध कारोबार सरेआम हो रहा है।
द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने विवादित बयान दिया, कहा कि इस्कॉन मंदिर का पंजीकरण अमेरिका में हुआ था और वो लोग यहाँ मंदिर स्थापित कर यहाँ का पैसा वहाँ भेज रहे हैं। बरेली कॉलेज परिसर में बने प्राचार्य के घर में सुरक्षाकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीलीभीत में बरसात से मौसम खराब होने के चलते आकाशीय बिजली गिरने से 10 साल के लड़के की मौत। हापुड़ में 10 क्लास की छात्र का शव पेड़ से लटका पाया गया, शव की सूचना पर गांव में हड़कंप। इलाहाबाद में प्रशासन ने मौनी अमावस्या के स्थान पर को लेकर पर्व को लेकर तैयारियां पूरी की हैं। इस वर्ष मौनी सोमवती अमावस्या होने की वजह से प्रशासन का अनुमान है कि 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। बरेली की बात करें, बरेली के थाना कैंट के मोहनपुर गांव में बिल्ली के कबूतर खा लेने के बाद झगड़ा इतना बढ़ गया, नाबालिग से छेड़खानी के आरोप में बिल्ली के मालिक ताहिर पर केस दर्ज करवा दिया गया है। बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के बंसी नगला में 10 साल के बच्चे से अधेड़ ने कुकर्म किया। लखीमपुर खीरी में कोतवाली पुल बेहड़ के सुंदरवाल गांव में जमीन विवाद के चलते एक अलीगी बेटे ने अपने पिता की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। अरैया के रावपुर गांव की नहर की पटरी पर खड़ी झाड़ियों में एक अधेड़ की लाश मिलने से सनसनी। आगरा के फतेहाबाद में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान मतदाता केंद्र के बाहर होते बवाल को देख पुलिस ने भीड़ पर लाठियां भांजी। रामपुर में थाना शहजाद नगर क्षेत्र के रेलवे गेट कीपर की दर्दनाक हत्या कर दी गई, शव को 100 मीटर दूर रेलवे ट्रैक पर फेंका गया। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में श्री मन्नार जी भगवत विश्व संस्थान द्वारा भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई।